तो दोस्तों, क्यों पड़े हो दूसरे वेबसाइट्स के चक्कर में जब कोई नहीं है तुम्हारे प्रोफाइल के टक्कर में। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक प्रोफाइल की, और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक प्रोफाइल से कैसे काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की जरूरत है, या तो आपका स्किल सेट होना चाहिए या तो आपके पास माइंड गेम होना चाहिए, मतलब एक एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होना चाहिए जिससे आप काफी ज्यादा पैसा अर्निंग कर सकते हो फेसबुक पे। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे फेसबुक पे अपना फ्रेंड नहीं बनाया तो आप मुझे अपना फ्रेंड बना सकते हो ऑन फेसबुक पे, जिससे आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें जानने मिलेंगी, समझने मिलेंगी, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज मिलेगा कि आप फेसबुक पे कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, वहां से आप मुझे फ्रेंड बना सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो फेसबुक से अपने एक प्रोफाइल से, नहीं भी तो $1,000 मंथली मंथली डेली का अर्निंग कर सकते हो। वो कैसे, मैं पूरा प्रूव करके आपको बताऊंगा, पूरा प्रूफ दूंगा और आपको समझाऊंगा ये कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। उससे पहले गाइज एक चीज और बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइज लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है आपका लाइक। सो प्लीज लाइक, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें कि ऑनलाइन में आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। गाइज मैं चाहूँ तो बहुत सारे हाइप वीडियोज बना सकता हूँ, लेकिन मैं हाइप वीडियोज नहीं बनाता हूं ताकि लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट मिले। इसलिए मैं ये सब वीडियोस बनाता हूं कि वैल्यूएबल कंटेंट मिले, हाई वीडियोस के चक्कर में नहीं रहता हूं मैं। नहीं तो मैं हाई वीडियोस बना के काफी ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ गेन कर सकता हूं, लेकिन हाइप नहीं, वैल्यू पे मैं फोकस करता हूं। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू ग्रो इन द लाइफ। ठीक है, वैल्यू और एक्शन, ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका एक्शन में यूज करो, एक्शन लो और फिर उसके बाद ग्रो करो और अर्निंग करो ऑनलाइन से। क्योंकि इसमें बता दो, ऑनलाइन में अब जितना तेज जिए करो ला सकते हो, कहीं पर भी नहीं ला सकते। बस एक बार ऑनलाइन को समझना होता है, एक बार ऑनलाइन के साथ चलना होता है। एक बार आप अगर यहाँ फिट हो गए तो दोस्तों मिलियन बिलियंस कुछ भी नहीं रखा। आप जाके सर्च करो, लोग मिलियंस कमा रहे हैं, मिलियंस वो भी मंथली बेसिस पे। अभी तो ये नया नया इंडिया में आया है, लेकिन बाहर तो कई समय से मतलब बहुत ही ज़्यादा समय से काफ़ी अच्छा लोग अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया में इसका नया ट्रेंड है, इसलिए लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छा से अच्छा अर्निंग कर सकें। आप और भी वीडियोज़ मेरी जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ मैंने बताया आपको इंस्टाग्राम या कोई ई-कॉम साइट और भी काफी चीजें आपके साथ शेयर की हैं कि कम से कम बजट में बड़ा सा बड़ा मिलियन डॉलर बिजनेस आप कैसे बना सकते हैं। और इट्स वेरी वेरी इजी गाइस, 101% गाइस बता दूं, ये इतना ज्यादा इजी मैं आपको हर चीज ला के देता हूं कि आप हर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एक्शन नहीं लेते। तो गाइस प्लीज कीप एक्शन, कीप एक्शन, कीप एक्शन गाइज, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। जाओ और एक्शन लो, अगर एक्शन लोगे तो ग्रो करोगे, नहीं लोगे तो घंटा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है यहाँ। सो प्लीज गो एंड टेक एक्शन, गो एंड टेक एक्शन। तो दोस्तों, अब सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं आप फेसबुक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर गाइज आप मेरे फेसबुक पे होंगे या आप मेरे फ्रेंड होंगे फेसबुक पे, तो आपको पता होगा कि मैंने काफी सारी चीजें फेसबुक पे शेयर की हुई है। अगर नहीं है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ। गाइज आप मुझे किसी ग्रुप की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इवन अपने फेसबुक से ही अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ, लेकिन मैं फेसबुक का यूज नहीं करता हूँ। क्योंकि अभी मैं वैल्यू वहां प्रोवाइड कर रहा हूँ, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि एक बुक मैंने पढ़ी थी जो बहुत ही ज्यादा मुझे वैल्यू देके गई कि गाइस ऑनलाइन में क्या है, पहले दो 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 दो, मतलब गिव गिव गिव, जितना दे सको उतना दो। ठीक है, और लेने का भी एक टाइम आता है कि ये चीज है जब लोग आप पे बिलीव करने लग जाए। लेकिन गाइस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीनिंगफुल कंटेंट, वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये दो चीज आप लोगों को दोनों लोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करने लगे, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन वो भी वैल्यू देके। बिना वैल्यू के यहाँ कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, तो वैल्यू पे हमेशा फोकस करो। ठीक है, तो अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा तो मैं वहाँ डेली कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ लोगों के साथ, कुछ वर्ड्स, कुछ अच्छे फ्रेजेस या अच्छे कोट, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ शेयर करता हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंगेजमेंट मिलता है, लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, लाइक मिलते हैं। तो गाइस वहाँ मैं लोगों को सिर्फ कमेंट और लाइक के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ
क्लाइंट जनरेट कर रहा हूँ, लोग मेरा काम देख के मुझे मैसेज करते हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, वहाँ हमारी बात होती है और वहाँ से मुझे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं जिनका मैं फेसबुक पेज ग्रो कर देता हूँ, किसी का मैं क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम आईडी ग्रो कर देता हूँ, किसी को वेबसाइट की ज़रूरत होती है तो वेबसाइट प्रोवाइड करा देता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी, काफ़ी अलग अलग चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ, जैसा कि आपको मैंने बताया है पहले भी, अभी भी मैं बता दूँ। तो गाइज, आपको किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हो या आपके पास कोई भी स्किल सेट है, आप राइटिंग लिखना जानते हो, तो आप अपने जो प्रोफाइल है वहाँ पर इंगेजमेंट जनरेट करके उनसे उनका काम लेके, ठीक है, उनसे ही उनका काम लेके आप उनका काम करके दे दो और वो आपको अच्छा खासा मनी दे देंगे। क्या होता है वेबसाइट्स का ये प्रॉब्लम है कि अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ आपको रिव्यू चाहिए, ठीक है, और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहता है वहाँ, ठीक है, आपके खुद आप अपने क्लाइंट्स नहीं चुन सकते, कोई आपको आएगा देने कुछ ये बना दो वो बना दो तो आप जाके आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ क्या, आप अपने क्लाइंट्स खुद चुन सकते हो, खुद टारगेट कर सकते हो, ये सबसे खास चीज़ है फेसबुक का, ठीक है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप वहाँ टारगेट मार्केटिंग कर सकते हो, तो यही टारगेट मार्केटिंग का आप यूज़ करके मिलियंस ऑफ डॉलर भी बना सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर बना लोगे तो यहाँ लोग थोड़ा सा गुस्से में आ जाएंगे और नीचे गाली वाली देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आई मीन कमेंट्स में। तो ये सब चीज़ों क्या है, लोगों को पचती नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ 500 से 1000 डॉलर बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर देखेंगे, काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपना स्क्रीन शॉट्स डालते हैं कि आज मैंने 500 डॉलर कमाया। वो लोग पर डे 500 डॉलर कमाते हैं कैसे, जैसे कि मैंने बताया आपको एफिलिएट करके। तो वो लोग क्या करते हैं, कोर्सेज का एफिलिएट करते हैं, वहाँ लोग हर मतलब हर दिन एक दो क्लाइंट उनको डेली के मिलते हैं, एक दो क्लाइंट, और उनको क्या करते हैं वो चीज़ें सेल करते हैं जिसमें उनको 25 डॉलर 50 डॉलर फ़ायदा होता है। तो मतलब 100-150 डॉलर वो डेली के कमाते हैं। मैंने जो 1000 डॉलर कहा है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग 10K डॉलर की बात कर रहा हूँ, मतलब 7-8 लाख रुपए मंथली अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ अपने फेसबुक प्रोफाइल से। तो ये सब चीज़ें हैं फैक्ट, जो आपको देखने में शायद कई लोगों को पता चल जाते होंगी, लेकिन कई लोगों को नहीं पता चलती कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे कोड्स डाल रहे हैं, लोग कैसे उनको इंगेज कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब टैक्टिक्स है जो यूज़ होती है फेसबुक पे, ये सब ट्रिक्स है, स्ट्रेटजीज हैं, बनानी पड़ती है कि कैसे कब किसको कैप्चर करना है और कब किसको रोल में लाना है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, सही लोगों को सही जगह जोड़ो और अपने फेसबुक प्रोफाइल को कन्वर्ट करो एक ऑटो मनी कैंपेन में। गाइस, बहुत ही ज़्यादा पैसा लोग फेसबुक, सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, ना फेसबुक ग्रुप की, ना फेसबुक पेज की, ना फेसबुक एड्स की, ये सब चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग करके काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप डेली के एक दो क्लाइंट भी अगर वहाँ पर आपको मिलते हैं, डेली के एक दो क्लाइंट भी अगर आपको मिलते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा अर्निंग करने वाले हो। अब कैसे करना है, करना ये है कि आपको, जैसे मेरे प्रोफाइल पे आओगे तो आपको लाइक शेयर कमेंट ये सब करना है मेरे प्रोफाइल में। फिर क्या होगा, फिर मैं आपके प्रोफाइल को देखूंगा, फिर मैं आपके प्रोफाइल पे करूंगा, फिर ऐसे क्या लोगों का नेटवर्क बनता है, इंगेजमेंट बढ़ता है लोगों के पोस्ट पे, फिर वो पोस्ट आपके दूर दूर तक जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ अपना काम शो करना है कि मेरे पास ये स्किल है शो करने का। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो क्या करो, आप दूसरों मतलब काम उठा लो, ठीक है। मान लो मैं आपके पास आया एक क्लाइंट, भाई मुझे आपसे एक वेबसाइट बनवानी है, हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा नॉलेज ले लो वेबसाइट के बारे में, कैसे कैसे क्या बनता है, और मुझसे पूछ लो, हाँ मैं ये बना दूंगा, मुझे एक लोगो बनवाना है, ठीक है। मान लो एक लोगो लेते हैं, एक इजी एग्जांपल लेते हैं, तो लोगो बनवाना है तो क्या करना है, तो लोगो का आप मुझसे ले लो कि हाँ मेरे को ऐसे ऐसे बनवाना है। अब आप जाओ किसी और को दे दो, किसी और दोस्त को दे दो, ठीक है, या तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे बता दो, मैं आपको बनवा के दे दूंगा, ठीक है। आप अपना पैसा रख लेना, आप थोड़ा जितना आगे लगेगा उतना आगे दे देंगे और आप अपना पैसा रख लेना, ठीक है। तो ऐसे आप डील करके काम उठा के भी अर्निंग कर सकते हो। गाइस मैं बताऊँ, ऑनलाइन अर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको अपने माइंड का यूज़ करना है और गेम खेलते जाना है, तो आप काफ़ी अच्छा अर्निंग करोगे। वहाँ से आप उठा के काम दे दो, फिर उसके बाद वो बंदा आपको दे देगा। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो, अगर आपके पास स्किल सेट है तो आप अपने स्किल का यूज़ करके मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। और ये मैं ठोक के
के बोल सकता हूँ, अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करोगे। अगर आपके पास बहुत सारे बिजनेस हैं तो इट्स गुड फॉर यू, कोई टेंशन नहीं, आप हर बिजनेस से अर्निंग करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक बिजनेस में एक्सीलेंट हासिल करना, तो फोकस एट अ वन बिजनेस एट अ टाइम, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप अर्निंग करने वाले हो। तो ऐसे इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो आप इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, बात करो फेसबुक पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करना चाहते हो तो। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी फाइवर और इस टाइप की वेबसाइट का यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपका फेसबुक ही काफ़ी है ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो आप ऐसे क्लाइंट्स जो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स मिल गए अब आपको, अब आप उनसे क्या कर सकते हो, आप अपने फाइवर के अकाउंट पे उनको रिव्यू दिलाओ, ठीक है। देंगे वो रिव्यू, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपने उनको सेटिस्फाई किया है, कम पैसे में अच्छा काम या ज़्यादा पैसे में काफ़ी अच्छा काम, वैल्यू दिया है ना, मैटर, वैल्यू इज़ मैटर, ओके, पैसा, मनी इज़ नॉट मैटर, वैल्यू इज़ मैटर। अगर आप वैल्यू दोगे तो वो क्लाइंट आपके पास 10 बार आएगा और 20 लोगों को और भेजेगा, तो वैल्यू इज़ मैटर, हमेशा वैल्यू देने की कोशिश करो तो आपको ज़रूर मिलेगा आपका पैसा। डोंट ट्राई टू गेट मनी, ट्राई टू की वैल्यू एंड की वैल्यू। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया तो प्लीज़ गो एंड अप्लाई, सी इन नेक्स्ट वीडियो। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन को प्रेस करो, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।